तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को योगी जी को बाईपास करने का सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। सॉरी योगी जी को मैं बता रहा हूँ, ये जो योगी जी ने फोन दिया है इसको बाईपास करने का सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर जाके देख लीजिए। वैसे ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है और इस मेथड को मैं ट्राई करने वाला हूँ टैबलेट के ऊपर। अगर आपके पास टैबलेट है या फिर इनका दिया हुआ फोन है तो सेम टू सेम प्रोसीजर ऐसे ही है जैसे मैं करता जा रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे करिए, आपको इनके वॉलपेपर से छुटकारा मिल जाएगा। और इन्होंने जो जो खतरनाक सर्विसेज आपके फोन के अंदर लगा रखी हैं भाई, जो सिक्योरिटी इन्होंने लगा रखी ना, उनसे भी छुटकारा 100% मिल जाने वाला है, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है, सबसे स्टार्टिंग। और इसके अंदर मैं कोई भी कंप्यूटर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने उस वीडियो में कंप्यूटर का यूज़ किया था, तो अगर जो नए बंदे देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास टैब हो, तुम्हारे पास वो फ़ोन भी होगा तो बिना कंप्यूटर के तो भी कर लोगे, फ़ोन के ऊपर भी सेम टू सेम प्रोसेस करना, ठीक है। जल्दी से आप लोग यहाँ से अबाउट टैबलेट में चले जाओ, रीसेट के ऊपर टैप कर दो और यहाँ से फैक्ट्री डेटा रीसेट करके इस फोन को पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दो, ठीक है। सारा ट्रिक स्टार्ट होगा जब हमारा फोन एकदम न्यू होता है, एकदम फ्रेश होता है, जब एकदम स्टार्टिंग फेज में होता है, तभी ये सारे काम स्टार्ट होते हैं, तभी ये बाईपास स्टार्ट होता है। तो प्लीज देखो, कोई भी अगर इस वीडियो को स्किप करके भागता है आगे तो 100% मैं बता रहा हूँ उसका बाईपास वर्क नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे देखो, युवा शक्ति की क्षमता पार, अब जो भी है युवाओं के साथ योगी सरकार, कोई फायदा नहीं, क्योंकि युवा चाहते हैं कि आपका वॉलपेपर हट जाए, उनको सिर्फ ये फोन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ से इरेजिंग शुरू हो जाएगी इस डिवाइस की। और अभी आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ इरेजिंग तक, उसके बाद मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, सीधे वीडियो फिर से स्टार्ट होगी जब हमारा फोन इरेज होके पूरी तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इतना दिखा दे रहा हूँ जितना मतलब सब में अच्छे से कॉमन आएगा, ठीक है। इरेजिंग स्टार्ट, तो अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही पूरा फोन फॉर्मेट होकर खुलता है हम लोग वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो मेरा फोन यहाँ से ओपन हो चुका है। और एक बुरी खबर है आप लोगों के लिए कि मैंने बोला था कि इस फोन को मैं बिना कंप्यूटर के बाईपास करने वाला हूँ, बट मेरा OTG केबल इस वक्त मिल ही नहीं रहा और मैं फंस चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर OTG केबल मिलता तो ADB वाला जो सेक्शन आता है ना, अभी अगर आप लोग कोई नए वीडियो देख रहे होगे उन्हें नहीं पता होगा ये सब चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस कंप्यूटर का यूज़ कर ले रहा हूँ भाई, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, आप लोगों को दुख लग रहा होगा कि यार ये क्या चूतिया पाया, मेरा चूतिया कट गया या नहीं। मैं आगे बनाऊंगा वीडियो, एक OTG वाली बनाऊंगा, चिंता नहीं करो। अभी फिलहाल कंप्यूटर की देखो न्यू मेथड से करने वाला हूँ, वो देखो और सीखो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस टैब के साथ वाईफाई को कनेक्ट कर लेना, और ध्यान रखिएगा सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करिएगा। अगर वाईफाई कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप लोग दबा दिए गलती से ना, तो भाई पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, नॉक्स की सिक्योरिटी इसके ऊपर हावी हो जाएगी और सारा काम हमारा बेकार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है, अब पासवर्ड जब तक पढ़ रहा है इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट हो गया, तो हमारे पास स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें टॉक बैक को ओपन करना है। ओके, टॉक बैक कैसे ओपन होगा, यह क्या कहते हैं आपका पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक बार ऐसे दबा दीजिए, एक बार दबाइए दोनों को एक साथ, ऐसे दबाया। और जैसे आपने ये दबाया यहाँ पे देखिए यूज साइड वॉल्यूम अप आ गया, इसको हम लोग यूज कर देंगे, डन। अब यूज कर दिया, अब वापस से हमें इसको ऑन करना होगा, पावर और वॉल्यूम अप दबाया, फिर से टॉक बैक ऑन, चलो ठीक है, चलो शांत हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एल शेप बनाना है, एक एल शेप बनाना है, देखिए कैसे बनेगा एल शेप, ये जैसे ही आपने बनाया तो यहाँ पे क्या आया, रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक है। तो हमें इसको अलाउ कर देना है डबल टैप करके, और इस जगह पे क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे मेथड समझिए, यूज वॉइस कमांड के ऊपर, ओके ठीक है, यूज वॉइस कमांड के ऊपर हम लोगों को डबल टैप करना है। जैसे डबल टैप करोगे ये टॉगल गायब हो जाएगा, पीछे से एक आवाज आएगी, वो पूछेगी कि आपको कौन सा कमांड देना है, तो आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट, ठीक है। जैसे आप लोग गूगल असिस्टेंट बोल दोगे तो वहां पे गूगल का टॉगल खुलाएगा, तो फिर वहां पे आपको कहना है ओपन यूट्यूब, ठीक है। इतना हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करता हूँ मैं, गूगल असिस्टेंट, ओपन यूट्यूब, टैप टू फिनिश, टैप टू डिसमिस असिस्टेंट, ओपन असिस्टेंट, टैप टू फिनिश, टैप टू डिसमिस, ये पावर और वॉल्यूम आप एक बार दबाइए जल्दी से यार, ये टॉक बैक ही अपनी सारी बातें करने लग गया, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ उसको, क्या चूतिया पा, ठीक है। ओपन यूट्यूब, हाँ यार ये ठीक है, ये टॉक बैक अपनी भाषा क्या बोलूं यार, चलो कोई नहीं, होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे
सेटिंग अबाउट में चले जाइए, यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विसेज में चले जाइए आप लोग, फिर एग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए, नो थैंक्स कर दीजिए, यहाँ पे सर्च पे आ जाइए और सर्च पे आने के बाद लिखिए FRP file slash bypass और bypass गूगल अकाउंट FRP lock, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोगों को सिंपल से एक काम करना है, डाउनलोड अलायंस शील्ड एक्स, ठीक है। अब देखिए ये टैबलेट पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर आप लोग कोई फ़ोन के ऊपर देख रहे होगे ना तो यहाँ से जब आप एक बार कर दोगे तो गूगल स्टोर आपका अपडेट होने लगेगा, ठीक है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में दिखाई दिया था, तो आई बटन के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अपना थोड़ा सा कीमती टाइम दीजिए ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो डाउनलोड दबाया मैंने और कुछ खुला नहीं, अभी खुलेगा, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग और ये आ गया, इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए टैबलेट में तो ये डायरेक्ट खुलाया, हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर ना, हो सकता है ये मतलब अपडेट मांगने लगे, तो पहले अपडेट कर दीजिएगा उसके बाद प्रोसेस करिएगा, ठीक है। ये ऐप यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, इंस्टॉल हो जाए ये जल्दी से ऐप। उसके बाद मैं आप लोगों को एक कहानी में ट्विस्ट देने वाला हूँ, ये ट्विस्ट बहुत भारी ट्विस्ट है। ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गॉट इट। अब बाप रे, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब इसके लिए ना आपको मुझे एक बार व्यू देना पड़ेगा फिर से। व्यू क्या क्या होता है, एक मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है, इस चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे हो सकती, तो आई बटन के ऊपर चले जाओ अभी तुरंत, इस वीडियो को यहीं रोको, आई बटन के ऊपर जाओ, अलायंस शील्ड एक्स की आईडी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो है, उसको देखो और आईडी बनाओ और फिर यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालो। जब बना लोगे ना तभी यहाँ पे काम होगा। ये डिवाइस एडमिन का बहुत ही कमाल का ऐप है, तुम लोग को पता नहीं इसके फायदे क्या है, मैं छुपा कर डालता हूँ वरना तुम लोग देख लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी डाल दी है और अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, ओके। यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ से पासवर्ड भी मैंने डाल दिया, ठीक है। साइन इन हम लोग कर लेते हैं। अरे यार ये एरर से मैं तंग हूँ, अगर आप लोगों में नहीं आएगा चिंता ना करो, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइमर हो, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, ये एरर हटाता हूँ और उसके बाद रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ से मैंने एरर को सब हटा दिया, ठीक है, और यस कर देते हैं, फिर अब के बाद साइन इन करूँगा मैं, तो लगभग कोई एरर नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टेप देखिए, नेक्स्ट करिएगा, डिवाइस एडमिन आया, इसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नॉक्स आया, एक्टिवेट, कम ऑन, आई एग्री, और उसके बाद हम लोगों को बस नेक्स्ट करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, वैलिडेशन कंप्लीट, जल्दी हो जाओ जल्दी, नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा सब्र नहीं है, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं वीडियो, पर उन लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि स्किप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लैगी है, ये थोड़ा सा ऐप कई बार लैग कर जाता है, तो फिनिश होने के बाद थोड़ा सा देख पा रहे हो स्क्रीन लैगी है, ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐप मैनेजर में चले आना है, ऐप मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या सर्च करने वाले हैं, यहाँ से लिखिए, ओके कम ऑन यार, हाँ सर्विस, ठीक है सर्विस, ओके सर्विस, और अरे एक ही बार में आ गया, सर्विस मोड, इसके ऊपर टैप करेंगे हम लोग। फिर क्या करना है, एक्टिविटीज़ में जाइए, ऐसे स्वाइप करोगे तो एक्टिविटीज़ में आ जाओगे, उसके बाद आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, ये जो सर्विस मोड है ना इसके ऊपर टैप करना है और इसको ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करते ही यहाँ पे MTP प्लस ADB लिखा है ना, इसके ऊपर ऐसे टैप कर दीजिए, MTP प्लस ADB टैप हो गया, सर्विस मोड पे ओपन फिर से करिए, चेक करिए कि लग गया है कि नहीं, लग गया है, बूम। अब आपको मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सबसे पहले ADB ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लीजिए, वरना जब आप ये काम करोगे ना तो वहाँ लिख जाएगा ADB नॉट रिकॉग्नाइज वगैरह वगैरह कुछ एरर। तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है, आई बटन के ऊपर वीडियो है। अगर उस वीडियो को देखने के बाद भी इंस्टॉल नहीं कर पाते तो प्लीज़ यार टेलीग्राम पे अपने एरर को पोस्ट करो, मुझे ये ना बताओ कि हो नहीं रहा है, मुझे भी पता नहीं हो रहा है एरर क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो पोस्ट करना, ठीक है। तो मैंने केबल ली और अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि कुछ महानुभाव बोलते हैं, ये देखो USB डीबगिंग का कुछ यहाँ पे आया था ना,
ये इसको क्या करना है, अभी तुमको पहले एक जादू दिखाता हूँ। एक चीज देखो, बहुत सारे लोगों में एक बहुत कंफ्यूजन आ रही है, समझ नहीं पा रहे, बच्चे हैं क्या सब लोग, छोटी बच्ची हो क्या यार तुम लोग भी, चलो तुम लोगों को दिखाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कमांड टाइप कर रहा हूँ, ADB डिवाइसेस। देखो कमांड्स को लिखने के बाद देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये टॉगल यहीं पर रहेंगे। अब देखो अनऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है कि तुम्हारे फोन ने अथॉरिटी दी ही नहीं है कंप्यूटर को कनेक्ट होने की, तो अथॉरिटी दो ना यार पहले, ये देखो इसको अगर तुम अथॉरिटी दोगे नहीं तो कैसे होगा, अलाउ करोगे ना तभी कनेक्ट होगा। अब मान लो कुछ चूतिया लोग होते कैंसिल कर दिए, ठीक, अब क्या होगा, फंस गए, अब तो भैया वापस से आएगा नहीं, तो आपको कुछ अपने आप से नहीं करना है, फिर से ये ADB डिवाइस है, जब आप टैप करोगे ना यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो हो सकता है शायद आ जाए, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको निकाल लेंगे और फिर से इसको लगा देंगे, ठीक है, निकाला लगाया और ये देखो फिर से आ गया। तो भाई थोड़ा सा बुद्धि का यूज करो, मेरे पलड़े ना पड़ा करो जल्दी, ठीक है। तो अलाउ कर दोगे और अब की बात जब अनऑथराइज से अगर आप वापस ADB डिवाइस करोगे, अटैच डिवाइस सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसको फोन की जरूरत नहीं, फोन को मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, अब सारा खेल हम लोग कंप्यूटर में खेलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे टेक्स्ट फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे देखो मैंने कोड को लिख रखा है। अब देखो बहुत सारे लोग टेक्स्ट फाइल की भीख मांग रहे हैं, अब मैं उन लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही टेक्स्ट फाइल मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। कोई नया बंदा अगर मेरे ग्रुप पे जाके बोलता है कि टेक्स्ट फाइल दो मुझे, तो मैं उसको पहले बता दे रहा हूँ, किक मार दूंगा ग्रुप से। ऊपर जाके सर्च करना, ठीक है, मांगना नहीं, ऊपर जाके सर्च करना, टेक्स्ट फाइल अपलोडेड है वहां पे तुमको मिल जाएगी। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मांगना नहीं, वरना किक मार दूंगा, याद रखना, वहां से किक वैसे नहीं मतलब रिमूव कर दूंगा, सॉरी मेरे हाई टेम्पर के लिए। यहाँ पे देखो कमांड्स को देख लो, पढ़ लो अपने आप, 1080p रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ADB शेल पहले टाइप करना, उसके बाद ये सब लिखना है, कॉपी पेस्ट करो ठीक है, बट अगर नहीं मिल रही तो खुद से करने की कोशिश करो। ADB शेल मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके एंड पेस्ट एंड एंटर, ठीक है, हम लोग शेल के अंदर आ गए हैं, मतलब फोन के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हमें सिंपल से ये कमांड को कॉपी करना है, अगर तुम लोग को टेक्स्ट फाइल नहीं मिल रही तो लिखो लिखो इस कमांड को और यहाँ पे एंटर करोगे, जैसे ये कमांड डाल के तो यहाँ पे डिसेबल्ड यूजर लिख के आ जाएगा, बूम, बस इतना ही करना था। अब यहाँ पे देखो मैंने फोन को ऐसे रिमूव किया और यहीं पे ऐसे लगे लगे मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, देखो ठीक है, सब कुछ ये समझ लो। और ये जो ADB डिवाइसेस वाला ये सब आया है ना सीन, अगर यहाँ पे एरर आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस, ADB नॉट फाउंड, कुछ भी ऐसे रिलेटेड, 100% ड्राइवर नहीं डाल पाए हो तुम लोगों ने, कंप्यूटर तो खरीद लिया बट कंप्यूटर को यूज़ करना तुम लोगों को नहीं आ पाया, बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि कंप्यूटर ले लियो बट तुम्हें बेसिक कंप्यूटिंग नहीं करना आता। तो प्लीज़ ADB ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर मेरी भी वीडियो है, या फिर मतलब यूट्यूब पे जाओ यार, 100 वीडियो मिलेगी ADB ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैथड ढूंढो करो, हर एक चीज़ तुम लोगों को हलवा चाहिए कि मैं बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, हर एक की वीडियो नहीं बना सकता ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है मेरे साथ। और भाई मैं इरिटेट हो जाता हूँ जब 100 लोग मुझसे 100 बार क्वेश्चन पूछते हैं, यार कभी तो बुद्धि का यूज़ करो, मैं भी तो यूज़ कर रहा हूँ यार, पता नहीं क्या हो तुम लोग, ठीक है। स्टार्टिंग एंड्रॉयड हो रहा है यहाँ पे हमारा, और इसको हो जाने दीजिए, ठीक है, हम लोग इस जगह पे आ गए, सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं, देखते हैं कुछ आ रहा है, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, और ओके नेक्स्ट नहीं करते हैं, यहाँ से बैक कर लेता हूँ एक बार मैं, ओके ओके बैक एक बार मैं, स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं अभी, एक बार और मैं इसको जरा फिर से कनेक्ट करता हूँ एक बार, और अब की बार वापस से मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ADB डिवाइसेस मेरा कनेक्टेड है। एंटर अनऑथराइज्ड, ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से इसको अथॉरिटी दे देते हैं, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर दिया, अब की बार देखते हैं ऑथराइज है, ADB शेल के अंदर हम लोग चले जाएंगे, फिर जो मेरा वो जो कमांड नहीं था उसको जरा मैं फिर से एक बार यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट किया, एंटर, डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिसेबल तो हो गया, देखते हैं यहाँ पे कुछ आया है कि नहीं, डिसेबल होने के बाद अगर मैं इसको रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट कर दूँ तो क्या होगा, चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है, ओके गेटिंग योर टैबलेट रेडी आ रहा है, ओके ओके ओके
ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके आगे देखेंगे हम क्या होता है यहाँ पे. ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, बस ये जल्दी से हो जाए. मैं वेट कर, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है इसके साथ, मतलब कितनी चीज़ें हम लोग इस टैबलेट के साथ कर सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी को कैसे हम लोग बाईपास कर सकते हैं. बहुत ही मतलब लेंदी प्रोसेस है, इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है इस टाइप के प्रोसेसेस को. और इसे मिलते जुलते प्रोसेसेस हो सकते हैं आप लोगों को कहीं यूट्यूब पे पढ़े मिल जाए, बट तुम लोग भरोसा मानो कि हर प्रोसेस हर फ़ोन में काम नहीं करता, हर टाइम काम नहीं करता. हो सकता है जिस वीडियो को तुम आज देख रहे हो वहाँ पे यूट्यूब पे, वो वीडियो पता नहीं कब अपलोडेड हो. ठीक है, तो वो सब बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक बातें. तुमको ये लगेगा कि उसकी वीडियो देख के इन्होंने किया होगा, ना ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता. गेटिंग योर टैबलेट रेडी, यार कितनी देर में रेडी होगा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा. देख रहा हूँ, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ कि भैया ये रेडी हो जाए और हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएँ थोड़ा सा. ओके, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दूँ और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, तब मैं वीडियो को. ओके ओके, आ गया आ गया. डोंट कॉपी, मुझे कॉपी नहीं कराना है. जस्ट अ सेक, फिर से आ गया. ओके, चेकिंग इन्फॉर्मेशन. यार ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये गूगल की चीज़ें थोड़ा मतलब टाइम लगाती. अगर ये सब चीज़ों की जगह तुम्हारे में कोई ऐसी लाल वाइट पट्टी चलने लगे ना, और वहाँ पे MDM नॉक्स रिलेटेड, वो समझ लो तुमने फिर प्रोसेस नहीं किया है. ठीक है, यहाँ से हम लोग स्किप कर देंगे. अगर तुमने प्रोसेस किया होगा ना, तो सेम टू सेम इस टाइप से मेरे जैसा हो रहा होगा, सेम टू सेम डिट्टो ऐसा हो रहा होगा अगर तुमने प्रोसेस सही से किया होगा. और अगर तुमने प्रोसेस सही से नहीं किया होगा तो 100% है वहाँ पे वो जो मैं बता नहीं था, वो जो पट्टी चलने लगेगी वाईफाई, जैसे ही स्किप करोगे ना, मतलब नेक्स्ट करोगे तो वो पट्टी चलने लगेगी और तुम लोग समझ जाओ कि तुम लोग प्रोसेस नहीं कर पाओ, तुम लोग फिर से नॉक्स की सिक्योरिटी के अंदर इनरोल हो गए हो और सरकार के पास फिर से तुम अपना सारा डाटा भेज रहे हो और वो लोग सारा डाटा तुम्हारा देख रहे हैं कि भैया क्या है फ़ोन में, क्या करते रहते हो, सब कुछ. ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, बट अभी तो फिलहाल कोई चीज़ नहीं है उसके, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है. मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि बना के तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ. तो यहाँ से हम लोग स्किप कर देंगे, स्किप हो गया. फिनिश दबाते ही कुछ दूर चलते ही, फिनिश दबाते ही देखते हैं क्या होता है. और बूम, हमारा टैबलेट ओपन होते हुए, टाटा बाय बाय योगी जी, टाटा बाय बाय मोदी जी, आपका टैबलेट ओपन. यहाँ पे देख पा रहे होगे सब कुछ कंप्लीट है, उनसे रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. आराम से चलाओ, मज़े से चलाओ. और मैं एक सिक्योरिटी फीचर के लिए आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ. डिवाइस एडमिन में उनका अब कोई भी तीन झाम नहीं पड़ा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलाइन शील्ड एक्स है खाली, ये तो मेरा ही है बच्चा. ओके बाय बाय. सो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर मेरी हार्स एक्सप्लेनेशन के ऊपर आप लोग गुस्सा गए होगे तो प्लीज़ गुस्सा ज़रूर हो, क्योंकि आप लोगों में कमज़ोरी है और मैं आपको आपकी कमज़ोरी को बता रहा हूँ.